हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम जीनर डायोड में पावर रेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखेंगे। जीनर डायोड में यदि मिनिमम पावर रेटिंग के बारे में पूछा जाता है तो मिनिमम पावर रेटिंग को ही हम जीनर डायोड का मैक्सिमम पावर डिसिपेशन बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है आई जेड मैक्स इंटू वी जेड, जिसे हम पी जेड मैक्स रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मिनिमम पावर डिसिपेशन की वैल्यू पूछी जाए तो उसको हम लिखते हैं आई जेड मिनिमम इंटू वी जेड। मिनिमम पावर रेटिंग में मिनिमम वर्ड को देखकर कभी भी आई जेड मिनिमम का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिनिमम पावर रेटिंग किसी भी जीनर डायोड की मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होती है। मतलब हम सर्किट में एक ऐसे जीनर डायोड का यूज़ करेंगे जिसका मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ही मिनिमम पावर रेटिंग होती है, जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरर द्वारा डिसाइड की जाती है। अतः मिनिमम वर्ड को देखकर हम कभी भी मिनिमम पावर रेटिंग में आई जेड मिनिमम का यूज़ नहीं करते हैं। यह क्वेश्चन गेट 1996 में पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि इस जीनर डायोड में नी करंट 5 मिली एम्पियर है और मैक्सिमम 300 मिली वोल्ट का पावर डिसिपेशन ये जीनर डायोड अलाउ कर सकता है। तो इस जीनर डायोड में मिनिमम और मैक्सिमम लोड करंट की वैल्यू पूछी गई है, जिससे कि वी नॉट की वैल्यू 6 वोल्ट पर कांस्टेंट रहे। ये इसके ऑप्शंस दिए गए थे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हुई हैं कि आई जेड मिनिमम 5 मिली एम्पियर है और वी जेड इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो वी जेड मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं, जो कि दिया गया है मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन, तो इसलिए हमने इसको वी जेड मैक्सिमम मान लिया है, और वो वैल्यू है आई जेड मैक्स इंटू वी जेड। तो यहाँ से हम आई जेड मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगी 50 मिली एम्पियर। अगर हम इस सर्किट को देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। अगर हम यहाँ से आई एस की वैल्यू निकालें तो आई एस की वैल्यू हो जाएगी वी एस माइनस वी जेड अपॉन 50 ओम, जो कि 60 मिली एम्पियर के इक्वल होगी अगर हम वी एस वी जेड और आर एस की वैल्यू को इसमें पुटअप कर दें। तब यहाँ हम देख सकते हैं कि आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल होगा, क्योंकि वी जेड एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज है। तो यदि आई एस की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो आई एल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों वोल्टेजेस कांस्टेंट हैं, इसलिए आई एस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो हम लिख सकते हैं कि यदि आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल है और आई जेड की वैल्यू मिनिमम है, कि मतलब मिनिमम नी करंट इस जीनर डायोड में फ्लो हो रही है, तो आई एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और यदि मैक्सिमम करंट इस जीनर डायोड में फ्लो हो रही है तो आई एल की करंट मिनिमम होगी। इक्वेशन वन को यूज कर लें तो यहाँ आई एस की वैल्यू 60 मिली एम्पियर दिया है इक्वल टू आई जेड मिनिमम की वैल्यू, जो कि हमने देखा क्वेश्चन में दिया गया है 5 मिली एम्पियर। सो इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो आई एल मैक्सिमम की वैल्यू 55 मिली एम्पियर आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन दो में, जैसा कि हमने आई जेड मैक्सिमम 50 मिली एम्पियर कैलकुलेट किया, तो उसको यहाँ पास रख दें, आई एस की वैल्यू 60 मिली एम्पियर दिया, यहाँ पास हमने कैलकुलेट कर लिया है, और आई एल मिनिमम की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आ जाएगी, 10 मिली एम्पियर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई एल मिनिमम इक्वल टू 10 मिली एम्पियर और आई एस इक्वल टू 60 मिली एम्पियर।